मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर मुंब्रा के एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार मुंब्रा के दोस्ती कॉम्प्लेक्स के एम्ब्रोल्ड इमारत में रहने वाले प्रोफेसर जावेद अख्तर और उनकी पत्नी और बेटे अरकम की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर एक बस दुर्घटना में 26 यात्रियों की मौत हो गई थी और अब एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर जावेद अख्तर अपनी पत्नी और बेटे अरकम के साथ में बकरा ईद के मौके पर अपने गांव अहमदनगर गए थे और सुबह 6 बजे ये वापस मुंब्रा लौट रहे थे। इसी दौरान समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर कार का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि जावेद अख्तर साबू सिद्दीक पॉलीटेक्निक कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे और हाल ही में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इंचार्ज थे। इस हादसे से दोस्ती कॉम्प्लेक्स में सन्नाटा पसरा हुआ है।